नमस्कार फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ उसको लेके लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है। वो ये कि शादी के टाइम पे क्या कुंडली मिलान करना चाहिए, हाउ मच इम्पॉर्टेंट इट इज़ ऑल्सो कि जी अगर एक पार्टनर मांगलिक है तो दूसरा भी मांगलिक ही होना चाहिए, तभी शादी सक्सेसफुल होती है वरना नहीं होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कुंडली मिलान और कितना इम्पॉर्टेंट है और क्या हमें ये करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल अगर आप करना चाहते हैं कुंडली मिलान तो आप बिल्कुल करिए। जैसा मैं कहती आ रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो है इट इज़ अ गाइडलाइन, टेक दिस कुंडली मिलान ऑल्सो अ गाइडेंस। सिर्फ इसी के बेस करके डिसीजन को मत लीजिए कि जी 36 गुण होते हैं, अगर 36 में से जितने ज़्यादा गुण मिलेंगे उतनी जो है शादी सक्सेसफुल होगी और अगर गुण जो है कम मिलेंगे तो शादी सक्सेसफुल नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें कि 36 में से 34 गुण मिल रहे हैं, 30 गुण मिल रहे हैं पर मैरिजेस हैव नॉट बीन सक्सेसफुल, और ऐसे भी केसेस हैं जिसमें 36 में से 5 गुण मिल रहे हैं या 10 गुण मिल रहे हैं एंड मैरिजेस हैव बीन सक्सेसफुल। सो सिर्फ इस बेसिस पे कि जी कितने गुण मिले उस बेसिस पे हम शादी कर दें, ऐसा बिल्कुल मत करिए। देखिए, जब हम शादी के लिए कुंडली मिलाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैच के लिए देखने के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है चंद्रमा का मिलान। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है माइंडसेट, मेंटल कंपैटिबिलिटी को बताता है। क्या फ़ायदा ऐसी शादी का कि जी शादी तो हो गई, हम साथ रह रहे हैं फॉर द सेक ऑफ द सोसाइटी, फॉर द सेक ऑफ द पेरेंट्स या फॉर द सेक ऑफ द चिल्ड्रन, पर हमारी आपस में मेंटल ट्यूनिंग बिल्कुल भी नहीं है, हमारी मेंटल कंपैटिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। ये कैसे हम चेक कर सकते हैं शादी से पहले? ये मून बता सकता है। अगर मून आपस में मैचिंग अच्छी हो रही है तो मेंटल कंपैटिबिलिटी कपल की अच्छी रहेगी। वीनस एंड मार्स टेल्स अबाउट द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द मैरिज, कि कोई फिजिकल एस्पेक्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी शादी के। हैविंग चिल्ड्रन, दैट इज़ बिकमिंग अ वेरी बिग प्रॉब्लम। आजकल ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि शादियाँ हो रही हैं पर बच्चे होने में बहुत दिक्कत आ रही है। ये भी चीज़ ऐसी है जो जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो हम ये देख के बता सकते हैं कि जी कपल जिसकी शादी हो रही है उनके बच्चे ईजीली हो पाएंगे कि नहीं, या कोई डिफ़िकल्टी आएगी या कोई मेडिकल एड की हेल्प पड़ेगी। तो ये चीज़ें हैं जो कि आप देखिए जब शादी कर रहे हैं तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ एस्पेक्ट कि मैरिज के बाद कपल की हेल्थ कैसी रहेगी, कपल की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी रहेगी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैच करना बिफोर अ कपल गेट्स मैरिड, रादर देन कि सिर्फ हम जो है गुण मिलान पे ही अपना डिसीजन बेस करें। दूसरी चीज़ जो कि हमारे हिंदुस्तान में जिसका बहुत हुआ है और वो है मांगलिक। लोग मांगलिक के नाम से, स्पेशली अगर लड़की कोई मांगलिक हो हमारे देश में तो बहुत ही उसको नेगेटिवली लिया जाता है। देखिए, जब ज्योतिष लिखा गया था तब में और अब में सिचुएशन में, लाइफ कंडीशंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। पहले टाइम पे ये कहा जाता था अगर लड़की मांगलिक है तो उसके लाइफ पार्टनर के हेल्थ पे या उनके लाइफ स्पैन पे फ़र्क पड़ेगा। ये भी कहा जाता था कि जी लड़की मांगलिक है, ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो घर में एडजस्ट करने में मुश्किल आएगी। देखिए, जैसा मैं कह रही हूँ, सिचुएशन बहुत चेंज हो गई है, लाइफ कंडीशंस बहुत चेंज हो गई है। आज हम सब एजुकेटेड हैं, हम सब एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर वर्किंग, इवन इफ़ यू आर नॉट वर्किंग, आजकल बड़ा स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर है। और हमने ये देखा है कि जो लड़कियाँ दोज आर डूइंग वेरी वेल प्रोफेशनली, यू नो, इन एनी फील्ड इट माइट बी, इवन स्पोर्ट्स वुमेन का मैंने देखा हॉरोस्कोप्स में कि उनका मंगल जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैंने कहा मंगल जो है वो कारक है कंपटीशन का, सो इफ़ यू आर हैव टू सर्वाइव इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग मंगल, यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग मार्स, देन ओनली यू कैन सर्वाइव। बट ये कह देना कि जी वो जो मार्स है, जो अगर लड़की मांगलिक है उसका मंगल ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, या हस्बैंड का लाइफ स्पैन पर फ़र्क पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो प्लीज़ मांगलिक के नाम से जो डर है मन में वो प्लीज़ निकालिए। और ये भी कह देना कि मांगलिक मांगलिक की शादी हो तो ही सक्सेसफुल होगी या मांगलिक नॉन मांगलिक की शादी हो तो सक्सेसफुल नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो प्लीज़ अपने डिसीजंस सिर्फ इन दो पॉइंट्स को लेके बेस मत करिए। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि देखनी है जब आप शादी की बात कर रहे हैं कपल के। आई होप
आपके जो है कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक दूर हुए होंगे. फिर भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट है तो यू कैन रीच आउट टू मी. www.ridhibahl.com नाम से मेरी वेबसाइट है. डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एज वेल. एस्ट्रो रिधि बहल नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और एस्ट्रो रिधि बहल नाम से ही मेरा फेसबुक पेज है. आप इन पे किसी पे भी अपने फीडबैक और अपनी क्वेरीज मुझे दे सकते हैं. आई विल बी रियली लुकिंग फॉरवर्ड. टिल देन प्लीज़ टेक केयर.